नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आह्वान इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं रिश्तों को लेकर, क्योंकि जहाँ व्यक्ति अकेला होता है वहाँ भी समस्या है, और जहाँ अकेला नहीं होता है, एक से दो हैं या ज़्यादा परिवार है, बड़ा परिवार है, तो भी समस्याएं रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि समस्याएं तो हर कदम पे, अगर हम जीवित हैं, हम हैं इस दुनिया में, हमारा अस्तित्व है, तो समस्याएं तो हमारे साथ जुड़ी ही रहेंगी। जैसे सांसें ऊपर नीचे होती रहती हैं, अगर सांसें ऊपर नीचे नहीं हो तो फिर उस व्यक्ति को मृत माना जाता है। तो वैसे ही जीवन की भी परिस्थितियां अगर ऊपर नीचे ना हो तो कैसे मज़ा आएगा। अगर एक जैसा जीवन चलता रहेगा चलता रहेगा तो वो बोरियत सी होने लग जाती है। तो समस्याओं का भी मैं तो कहती हूँ आनंद लीजिए, कि अगर कोई बात आ रही है, आपको दुख महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली जब वो बात ख़त्म हो जाएगी तो आपको सुख की अनुभूति भी होगी। अच्छा लगेगा कि चलो इस चीज़ से तो बाहर आए। खैर, और भी जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, बड़े होते हैं छोटे होते हैं, हर व्यक्ति की समस्या होती है। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम हर समस्या का एक समाधान दे सकें जो आप बहुत आसानी से अपने जीवन में लागू कर सकें। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम अपने साथ लेकर आए हैं इस एपिसोड में फिर से एक बार, और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। वेलकम दीदी। जैसा हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में सास बहू की, इस एपिसोड में टॉपिक चेंज हो गया। दीदी, एक प्रश्न है कुरन खेड़ से, श्यामलाल जी का। उनका कहना है कि मैं एक किसान हूँ, मेरी समस्या ये है कि मेरा बेटा गांव में नहीं रहना चाहता। वो गांव में रहते हैं, खेती है उनकी। मैं वो उनका कहना है कि मेरा बेटा गांव में नहीं रहना चाहता, शहर जाकर नौकरी करना चाहता है, पर खेती भी बहुत है मेरे पास, बहुत खेती है उनके पास, और अगर वो शहर चला जाएगा तो मैं कैसे पूरी खेती अकेले संभालूंगा, और मेरे बाद इन खेतों का क्या होगा, क्योंकि पुश्तैनी काम है उनका, चला आ रहा है खेती का ही। तो बोले मेरे बाद खेतों का क्या होगा, मैं उसे कैसे समझाऊं कि जो अपनी ज़मीन जायदाद है, जो खेती है, मतलब खेती को हम माँ समझते हैं ना, माँ की तरह हम उसको रखते हैं, तो मैं कैसे उस मैं बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत असमंजस में हूँ, परेशान हूँ कि मैं कैसे समझाऊँ अपने बेटे को कि खेती हमारे लिए क्या है, और वो शहर न जाए, यहीं पे खेती करे। तो ये सवाल है। परिवर्तन का माहौल तो चल ही रहा है, हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, अपना इंटरेस्ट होता है, इसलिए देखा गया है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और हम उसको ज़बरदस्ती करते हैं तो भी वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार घर से भाग भी जाते हैं या कोई भी स्टेप ले लेते हैं, और इसलिए थोप भी नहीं सकते हैं, पर हम समझा ज़रूर सकते हैं। आप अपने बेटे से बैठ करके बात करें कि भाई इतनी ज़मीन है, इतनी अच्छी खेती हो सकती है, और खेती एग्रीकल्चर के फील्ड में भी आजकल बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच आने लगा है। अगर वो इंटरेस्ट रखेगा तो वहाँ भी वो बहुत क्रिएटिविटी कर सकता है और काफ़ी सफलता पा सकता है। इसलिए बेटे को समझाया जाए कि अब एग्रीकल्चर माना पिछड़ा हुआ क्षेत्र ऐसा नहीं रहा है। हाँ। अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और उसमें भी नए नए संशोधन हो रहे हैं, काफ़ी उसमें भी हम अपना विकास कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे पूरा लेख पढ़ा था कि कितने पढ़े लिखे MBA बने हुए या और भी अच्छी डिग्री लिए हुए लोग भी गांव में खास जाकर के अपनी कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उसके द्वारा उन्होंने वहाँ क्रिएटिविटी की और गाँव का विकास किया और अच्छे परिणाम भी उसके प्राप्त किए। तो शहरों में जाकर ही हम अपना विकास कर सकते हैं ऐसा भी नहीं। आज तो गाँव-गाँव में अगर आपका गाँव इस प्रकार का है कि वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं अगर वो वहाँ उपलब्ध है कि भी रास्ते अच्छे हों, बिजली हों, पानी का प्रबंध हो, और जो भी स्कूल हो, हेल्थ सेंटर हो, अगर कुछ बेसिक जो हमारी नीड्स है
उसकी अगर अच्छी व्यवस्था है तो मैं समझती हूँ कि गांव में बैठ कर के भी व्यक्ति विश्व से जुड़ सकता है और उस कोने से भी वो अपना विकास करके आगे आ सकता है। आज खेती के क्षेत्र में नया करने वाले, गांवों में पानी के लिए नया नया प्रबंध करने वाले, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कितने अवार्ड और पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। तो बेटे को ये सारा मटेरियल दिया जाए, समझाया जाए, ताकि वो इस बात को समझ सके। तो हम भाई से यही कहेंगे कि आप खुद मुंझते ना रहिए, पर बेटे को बिठा करके बताइए, और इस प्रकार से बेटा उसमें अगर रुचि लेता है तो अच्छी बात है। पर इन सब समझाने के बाद भी और ये सब कुछ बताने के बाद भी अगर बेटे का इंटरेस्ट है ही नहीं और वो शहर जाना चाहता है, तो अभी तो भाई से हम यही कहेंगे कि अभी तो आप खुद खेती कर ही रहे हैं और कर सकते ऐसी कंडीशन में हैं, तो अभी आप संभालते रहिए और बेटे को कहिए कि ठीक है जाओ तुम ट्राई करके देखो। वो शहर में जाएगा, नौकरी कोई आसान नहीं है आजकल मिलना। प्राइवेट में नौकरी मिलती है तो भी वहाँ कितना किस प्रकार से सारा कार्य करना होता है और उसमें भी कितना रचनात्मकता चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। तो वो खुद जाएगा शहर में और नौकरी के लिए प्रयास करेगा या शहर की लाइफ में वो रहेगा, तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद उसके अंदर समझ आ जावे कि भाई वो कितना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। देखने में सुंदर लगता है पर शहरी जीवन में दौड़ना और उसमें अपने आप को सेट करना, ये भी एक कोई सामान्य बात नहीं है। तो थोड़ा सा समय देखा जाए कि आप बेटे के साथ बात करके देखिए, नहीं बात बनती है तो उनको शहर में जाने दीजिए, नौकरी करने दीजिए। एक दो साल में उनका अपना अनुभव ही उसको क्या कहता है वो आप देखिए। और जब आप देखते हैं कि भाई बेटे को नहीं रस है और वो वहाँ अच्छा सेट हो गया है, तो फिर आप उनसे बात कर लीजिए, जो इतनी खेती है थोड़ी कम कर दीजिए, बेच दीजिए, जितनी आप कर सकते हैं उतनी करिए। और हर एक का अपना भविष्य है, आप अपने वर्तमान में खुशी लीजिए, प्यार से अपनी खेती करिए। आजकल तो लोग खेती भी दूसरों को करने के लिए दे देते हैं, आप अपना मालिक बने रहिए और दूसरे को खेती करने दे दीजिए। तो दूसरे संभालते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रहती है, तो कई रास्ते इसमें निकल सकते हैं। बहुत सारे रास्ते आपने बता दिए। या तो हम समझा सकते हैं बेटे को, अगर ना समझे तो फिर उनको बाहर जाने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि जल्दी से कहाँ, गांव का इतना खुला माहौल होता है, इतनी मतलब अच्छा रहता है, और शहर में इतने ज्यादा बंद बंद में कई बार व्यक्ति नहीं एडजस्ट कर पाता। छोटे से फ्लैट में कहाँ कैसे वातावरण में रहना, सुबह से लेकर रात तक दौड़ते रहना, तो खुद जाएगा अनुभव करेगा तो उनकी भी आंखें खुलेगी या उनको भी लगेगा कि ये जीवन अच्छा है या वो जीवन अच्छा है। या और अगर बेटा ना समझे, उसको रहना ही है वहां पर, तो आप खेती दूसरों के द्वारा भी करवा सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप खेती को नहीं छोड़ना चाहते, करना चाहते हैं आगे तक, तो ये जो कुछ समाधान आपने बताए ये अगर वो अपनाएंगे तो मैं समझती हूँ कोई ना कोई तो ज़रूर आपको समस्या से बाहर ले आएगा। और समस्या का अगर हम हल कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, अगर दिन रात की कलेश घर में रखें, दिन रात का एक तनाव घर में बना के रखें, उससे सही है ये कि अगर हम उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जो हमें अच्छा करना है, बाकी कहते हैं ना, करने वाला तो जो होगा वो तो हो गई, हम अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश करें, अच्छा प्रयास करें, घर का माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करें। मुझे पता जैसे है भाई बता रहे हैं ना कि भाई बेटा समझता नहीं है, मानता नहीं है, तो इस प्रकार से अपनी साइड भी देख ले कि ऐसा तो नहीं हमारा अपना हठा ग्रह हो। हाँ, ये भी भाई तुमको यहाँ ही रहना है, यहाँ ही खेती करनी है। आजकल प्राकृतिक आपदाएं भी इतनी हैं, कभी अति बारिश होती है, कभी अकाल होता है, कभी हवा के तूफान आते हैं, कभी ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, कभी अच्छी फसल उगती है मार्केट के दाम डाउन हो जाते हैं। खेती में भी कितनी समस्याएं आजकल है,
अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चा अच्छी नौकरी पाकर के अच्छे से सेट हो जाता है तो अच्छी बात है। इसमें आप भी अपने विचार से क्यों इतना अटैच रहते हैं? आपने अच्छी खेती की, प्यार किया धरती माँ से, और आपका जब तक इंटरेस्ट है आपसे जितना होता है वो करते रहिए, कराते रहिए। अगर दूसरे कर सकते हैं तो दूसरों से कराते रहिए, ताकि बेटा वही करे, ये हठाग्रह आप भी ना रखें, एक जिद ना रखें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजकल जिद से चलना ही कहाँ चाहता है। सब या तो आप नम्रता से बात करें तो ठीक है, लेकिन जहाँ जिद वाली बात आ जाती है वहाँ हर एक का ईगो ईगो आ जाता है बीच में कि अच्छा मुझे ऐसे बोल दिया, तो फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। और श्यामलाल जी के बेटे से मैं ज़रूर एक बात बोलना चाहूँगी कि ठीक है, आज वो शहर क्यों जाना चाहते हैं, ताकि एक नई पहचान बने, एक उनका अस्तित्व बने, तो क्यों ना गांव से ही वो शुरुआत की जाए। क्योंकि शहर जाके तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ करा, ठीक है, लेकिन अगर आज वो अपने गांव को आगे बढ़ाते हैं तो उनका ज़्यादा नाम होगा, ज़्यादा उनको तरक्की मिलेगी, क्योंकि वो उस माहौल में, उस माहौल को जानते हैं, उसमें पले बड़े हैं, तो वहाँ भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर शहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो रास्ते भी खुले हैं। बस एक हम समस्या को इसलिए और सामने रखते हैं कि अगर उसका समाधान मिल जाता है हमें, तो घुमा फिरा के बात यही आती है क्यों समाधान चाहते हैं, ताकि घर का माहौल अच्छा बने। तो श्यामलाल जी और उनके बेटे दोनों को बहुत समझ के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की बातों को समझ के अगर वो चलते हैं तो घर का माहौल निश्चित रूप से अच्छा बनेगा और किसी न किसी नतीजे पे ज़रूर पहुँचेंगे। और मैं समझती हूँ कि अब तो गांव में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ होने लगी है। अगर आपको गांव में बैठे हुए इंटरनेट मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, मोबाइल मिलता है, कम्युनिकेशन ठीक है, रोडवेज ठीक है, अपने प्राइवेट व्हीकल्स है, तो शहर से कोई बहुत दूरी नहीं लगती है। सही बात। और ये आजकल शहर इतने कंजस्टेड हो गए कि लोग आसपास के गाँव में जाके मकान लेते हैं, तो वो सस्ते भी पड़ते हैं और वहां से वो लोग शहरों में अप डाउन करते हैं। तो बच्चा इस बात को भी सोचे कि अगर गांव में रहते हुए ये सब हो सकता है तो फिर गांव में रहो या शहर में जाओ, बात एक ही हो जाएगी। गांव में रहते हुए भी आप अपना हर प्रकार से कनेक्ट रह सकेंगे। दीदी, जैसे अगला प्रश्न मेरा है शिल्पा जी का दिल्ली से। उनका कहना है, मैं शादी के पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, पर शादी के बाद मेरा परिवार, मतलब जहाँ उनकी शादी हुई वो परिवार ऐसा है जहाँ पे सिर्फ चार ही लोग हैं, वो सास ससुर, पति और वो खुद शिल्पा जी। और यहाँ सभी लोग अपना काम से काम रखते हैं, मतलब सास ससुर पति सभी तीनों मतलब बहुत रिजर्व नेचर के हैं, अपना काम से काम रखते हैं, ज़्यादा कोई किसी से बोलचाल नहीं करता, यहाँ तक कि उनका समाज में भी ज़्यादा कोई बोलचाल नहीं है, ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं है। मेरे पति भी मेरे से बहुत कम ही बात करते हैं, इस वजह से कई बातें मेरी मन में ही रह जाती हैं। कहाँ वो जॉइंट फैमिली में रह चुकी थी जहाँ छोटी छोटी बातें सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, और यहाँ सिर्फ चार ही लोग हैं और बहुत सारी बातें बोल रही उनके मन में रह जाती हैं, और जिस कारण से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आ रहा है मेरे अंदर, मैं अपनी बातें किससे शेयर करूँ। और इस कारण से अब हम दोनों के बीच में, शिल्पा जी और उनके पति के बीच में, खिटपिट भी होने लग गई है। तो वो उनका ये कहना है कि रिश्ता कुछ खराब मोड़ ले, मैं चाहती हूँ उन समस्याओं को खत्म करूँ। बैकग्राउंड पर आधार है कि अगर अपने परिवार में आप संयुक्त परिवार में रहे हैं तो नेचुरली अनेक लोग मिलते हैं बातचीत करने के लिए, आप उस माहौल से, ये एकदम चेंज है। वैसे भी शादी करना एक टर्निंग पॉइंट ही है लाइफ का, कि संबंध बदलते हैं, स्थान बदलता है, माहौल बदलता है, प्रवृत्ति बदलते, सब कुछ बदलता है। तो आप देखिए कि लोग आपस में मिलके तेरी मेरी इसकी उसकी इधर की उधर की यहाँ की वहाँ की बातें करते रहते हैं, तो उसमें भी कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं है। हाँ। चलो भाई, आप संयुक्त परिवार में रहे, लोग बातचीत करने वाले मिलते हैं, पर हमेशा बातों में रहने का भी तो कोई फायदा नहीं होता है। एक एक की भाई जो जरूरी आवश्यक बातें हैं वो हम करें, पर मोस्टली मैंने देखा है कि परिवार जब साथ में रहते हैं तो बस तेरी मेरी इसकी उसकी यहाँ वहाँ की बातें होती रहती है।
अब आप खुद सोचिए ऐसी बातें करने में फायदा क्या है, इसमें तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हम वो सारी बातें करके उन सिचुएशन में कोई चेंज तो ला नहीं रहे हैं, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और उस हिसाब से आप अब अपने ससुराल का वातावरण देखिए कि अगर लोग यहाँ बात ज्यादा नहीं करते हैं पर उनका मानसिक और प्रैक्टिकल व्यावहारिक रवैया अगर अच्छा है, एक है कि भाई मन में नाराजगी है, गुस्सा है, नफरत है, तिरस्कार है और हम बात नहीं करते, हाँ। वो एक अलग चीज हो गई। और दूसरा है कि भाई कईयों को पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, शांति में रहने का शौक है, अपने आप में ही कुछ करने ते रहने में शौक है, पर मन एक दो के लिए ठीक है, भावनाएं ठीक है, मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें इसको माइंड नहीं करना चाहिए, उसका बुरा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन चलो जीवन में एक मौका है, अपने जीवन के 16 साल 18 साल 20 साल बातों में बिताए, अब हम अपने में भी तो चेंज ला सकते हैं कि हम भी पढ़ने की हॉबी बढ़ाएं, हम भी कुछ लिखने की, कुछ आर्ट करने की, गार्डनिंग करने की, ऐसी कोई हॉबी डेवलप करें जो बातें सिर्फ करने से तो अच्छा है कि ये इस प्रकार की कुछ क्रिएटिविटी की जाए, ताकि वो स्किल भी हमारे में डेवलप हो, हमारा समय भी सफल हो। पढ़ने में भी कितनी बातें हमें जानकारी मिलती है, कभी साइलेंस में बैठ के भगवान को याद करें वो आनंद भी हम ले सकते हैं, अच्छा हेल्थ के लिए भी कुछ समय निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम आपस में मिलते हैं तो बातें ही करते रहे, आप ये भी कर सकते हैं कि भी चलो उनको बातें करने का इंटरेस्ट नहीं है, पर चलो हम मिलके भगवान को याद करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या कुछ मेडिटेशन करते हैं, इस प्रकार का अगर हॉबी डेवलप करते हैं पारिवारिक लेवल पर तो और ही अच्छा होगा, उनका भी अच्छा होगा, आपको भी संग मिल जाएगा, आप भी ये ऐसी एक्टिविटी कर सकेंगे। और दूसरा कि वो लोग रिजर्व नेचर के हैं, वो बात नहीं करते हैं ज्यादा, आप खुद सामने से बात करिए, उनको बिठाइए, उनके साथ शेयरिंग अच्छा करिए, पहचान लीजिए उनका क्या इंटरेस्ट है, बात न करने की वजह क्या है। अपने से आई है जॉइंट फैमिली से तो वहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, तो व्यक्ति को बहुत सारी खुद भी पहल करनी पड़ती है, तो यहाँ वो उस नेचर को अपने लाए कि आगे से रहकर बात करें, खुद बात करें, सबको खुशी में लाएं, हाँ, प्यार में बांधें, हाँ, मतलब एक परिवर्तन, नयापन, कुछ न्यूनेस करें। वो तो कहीं ना कहीं जहां भी हम होंगे कुछ तो कुछ मिटाना है, कुछ सीखना है, कुछ समाना है, इस प्रकार का तो एडजस्टमेंट होता ही है। मतलब यहाँ पर एक बहुत एक जैसा आपने कहा टर्निंग पॉइंट होता है शादी व्यक्ति के जीवन का, तो चेंज पीरियड है, हाँ, तो उसमें अगर हम समझ के चलते हैं, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता ही है, कुछ हम करते हैं कुछ सामने वाले भी करते हैं, और अगर ठीक है नहीं ज़्यादा बातचीत हो पाती है या वो आगे से बात नहीं कर रहे हैं, तो जैसा दीदी ने बताया कि हम आगे से रहकर अपने मन की बात बताएं उनको, अपने अपने विचार रखें, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ वो सुनेंगे ज़रूर। हो सकता है कभी कभी व्यक्ति को इतनी बोलने की आदत नहीं होती, लेकिन सुनेंगे ज़रूर वो, अपने मन की बातें रखें उनके सामने, या फिर पढ़ने की आदत डालें। ऐसे भी कहते हैं किताबों से अच्छा दोस्त हमें कहीं नहीं मिल सकता, किताबें जीव मनुष्य की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि वो सच सही बोलती हैं और कभी धोखा नहीं देती हैं, कभी हमारे साथ कोई छल नहीं करेंगी। तो क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए और किताबों से दोस्ती करो आप। तो इससे जैसा हम आगे भी एक किस्से में बताया था कि आप अपना कुछ नया करना शुरू कर दीजिए, वो उनको आइडिया बताइए, वो करिए, ताकि उसका इन्वॉल्वमेंट रखिए, तो एक आप अपनी क्रिएटिविटी करिए, जरूरी थोड़ी है बैठ के बातें ही करना है, तो आप
सिखा भी सकेंगे, वो भी इन्वॉल्व होंगे तो अपने आप बात करने लगेंगे, या उनके तरफ से भी कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। हाँ तो थोड़ा बहुत अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो मैं समझती हूँ उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। हाँ वो जो उनको लग रहा है कि बात नहीं हो पाती है, तो कोई ना कोई चीज़ कुछ मतलब खुद भी कुछ क्रिएटिव करे और उनको भी उसमें इन्वॉल्व करे, तो फिर बातचीत मैं समझती हूँ डेफिनेटली होगी आपके बीच में। दीदी मेरा अगला प्रश्न है शांतनु जी का, उनका कहना है मैं कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था, मेरा एक ही बेटा है, उसकी शादी हो गई लेकिन वो अलग रहता है, मेरी पत्नी को ब्रेन हैमरेज हो गया और उसमें पैरालिसिस भी हो गया, ब्रेन हैमरेज भी और पैरालिसिस दोनों हो गया है, बेटा बहू देखभाल नहीं करते, मुझे अकेले को ही सब कुछ करना पड़ता है और मुझे पेंशन भी नहीं मिलती है और लड़के से भी कोई पैसे की मदद नहीं मिलती, काफ़ी आर्थिक अड़चनें आ रही हैं, क्या हमारे प्रति बेटे का कोई भी कर्तव्य नहीं है? किसका ये प्रश्न है, नाम क्या है? जी शांतनु जी का। शांतनु जी का जो प्रश्न है जेन्यून है। इस सिचुएशन में हर किसी को ये मूंझ होगी, विचार आएंगे कि आखिर बेटे की भी कोई फर्ज है या नहीं। बेशक शांतनु भाई, बेटे की फर्ज है, उसका तो कर्तव्य है माँ बाप को संभालना, और उसमें भी खास ऐसी बीमारी और मुसीबत की हालात में तो पूरा ही सहयोग और साथ देना चाहिए। पर आज अपना फर्ज या कर्तव्य कौन सोचता है? सही बात है, आजकल लोग अपना अधिकार लेने के लिए तो हर प्रकार से लड़ेंगे, बिल्कुल उतर आएंगे, कहीं गुम हुए भी बाहर निकल आएंगे अपना अधिकार करेंगे। पाने के लिए। पर जब कर्तव्य की बात आती है तो हर कोई मुंह मोड़ता है और छिप जाते हैं। इसलिए आपका सोच सही है, आप बेटे के कर्तव्य के लिए सोच रहे हैं, पर जब वो समझ ही नहीं रहा है तो अधिक सोचने का कोई अर्थ नहीं है। आप अपनी तरफ से अपने मित्रों का साथ लेकर या परिवार के बुजुर्गों का साथ लेकर के बच्चे को समझाने की कोशिश करिए ताकि उसे अपने कर्तव्य की समानता आए, अपने साथ रखे, साथ नहीं रखना है तो अलग रहते हुए भी माँ बाप का ख्याल रखे, आर्थिक रूप से मदद करे, उसे बार बार मिलता रहे, कोई व्यक्ति का प्रबंध करे जो साथ रहे, मदद करे, कुछ भी, मतलब वो चाहे तो अपना सहयोग किसी भी प्रकार से दे वो दे सकते हैं, सकता है, बिल्कुल अनेक रास्ते हैं। तो ये आप प्रयास करके देखिए कि आपसे नहीं समझ रहा है तो और कोई, उनके फ्रेंड से बात करिए, उनके बॉस से बात करिए, जो शुभ भावना से उनको समझाने का समझा प्रयास सके, करें। बिल्कुल हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, पर जो सही है वो समझाने के प्रयास तो हमें करने ही होंगे। हो सकता है कि मेरा कहा हुआ कई बार अच्छा न लगे, उनका बॉस कहे, उनका साथी कहे, परिवार के दूसरे कोई बुजुर्ग कहे, तो इससे भी कुछ बात तो बन सकती है कि बहुत किसी भी रूप का सहयोग वो दे सकता है। बिल्कुल और जो परिस्थिति आई है आपके सामने, पत्नी भी बीमार हो गई है, उनकी सेवा की भी बात है, आर्थिक रीति से भी इतना नहीं है, तो थोड़ा कहीं ऐसे सोशल सर्विस करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अच्छा वहाँ संपर्क करके देखिए। आजकल तो कई वृद्धाश्रम भी बने हैं, हाँ कई ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट और हॉस्पिटल्स बने हैं कि जहाँ से आपको किसी भी प्रकार की हेल्प मिल सकती है। तो थोड़ा ये भी प्रयास किया जाए, कोई बेटा ही ऑल ओवर वही एक अकेला जवाबदार है ऐसा नहीं है, समाज में और भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी अपना सहयोग देते हैं। कई बार ऐसे इंसान मिल जाते हैं कि ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा वो अच्छी रीति हमें हाँ मदद करते हैं, समझते हैं। तो एक ही द्वार नहीं है, अगर वो बंद हो गया है तो आप निराश ना हो जाइए, आप हिम्मत नहीं हारिए। इस समय जब एक तरफ पत्नी बीमार है, ब्रेन हेमरेज,
पैरालिसिस हुआ है, इस सिचुएशन में आपको तो हिम्मत रखनी ही है। और ऐसी कई गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इस प्रकार की हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट के भी कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंतर्गत भी काफ़ी मदद मिल सकती है। और ऐसी कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, फ्री ऑफ चार्ज काफ़ी मदद करती है, तो इस प्रकार के भी प्रयास थोड़ा उनका पता करके उसमें अपना लाभ ले तो उससे उनको लाभ मिलेगा। और जहाँ आज वो इतनी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इतने परेशान हैं, उसके बाद इतनी हिम्मत रख के चल रहे हैं, तो ये तो एक तारीफ़ काबिल बात है कि आज आपने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बेटे के प्रति सोचने में आता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं, लेकिन अगर चलिए किसी भी कारण से वो नहीं समझ पा रहे हैं या कोई भी बात सामने आ रही है, तो परिस्थितियों से तो खैर निकलना ही है। तो कोई ना कोई, जैसा दीदी ने बताया कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, आपको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा या आपकी ज़रूर कोई ना कोई मदद होगी ही। और समाज में अभी भी कई ऐसे लोग हैं मानवता वाले, बिल्कुल, जो निस्वार्थ भाव से काफ़ी मदद करते हैं। आप सिर्फ बच्चे में ही मन को केंद्रित करिए कि वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, उसमें नहीं वो सेंस है या वो गुण नहीं है, उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। आप उनको समझाने का जो भी प्रयास कर सकते हो वो करिए। और बाकी आप और भी कई चीज़ें समाज में बनी हुई है उस तरफ नज़र करिए, कॉन्टेक्ट करिए, और वहाँ से हेल्प मिलती हो तो वो लीजिए और खुश रहिए। और एक मतलब कई बार ऐसा भी देखने में आता है ना कि आज उनको अपने बेटे के प्रति थोड़ी नाराज़गी है कि बेटा नहीं सुनता है या अपनी जवाबदारी नहीं उठाता है, तो अब इस कारण से कभी बेटा मिलने भी आता होगा तो वो उसी द्वेष में या उसी गुस्से में उससे बात करते होंगे, तो फिर वो और कट ऑफ हो जाते हैं कि इनसे तो जब मिलो तभी ऐसे ही नाराज़ होते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। डेफिनेटली फर्ज तो है उनका, आज आपने उनको इतना बड़ा करा, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो वो कहते हैं ना, किसी को मार मार के आप कोई चीज़ सिखा नहीं सकते हो। आप उसको अपने विरुद्ध कर सकते हो लेकिन आप सिखा नहीं सकते हो। तो एक समझ की बात है, वो तो इंसान में आएगी, अपने आप ही आएगी, वो हम उसको पिला नहीं सकते घोट कर या कुछ भी, हम उसको ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे हम चाहें और समझ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो व्यक्ति की अपनी सोच की बात है, समय की बात है कि वो खुद कब तक खुद को समझदार बनाता है। समझ तो देखिए हर कदम पे चाहिए, चाहे आपका केस हो माता पिता के साथ हो या उसका खुद का परिवार हो, समझदारी तो हर जगह ही अपनानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो एक अटल सत्य है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया, कोई भी व्यक्ति हो वो, तो बदले में हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं शांतनु जी के बेटे से यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं अपने माता पिता के तरफ, आप थोड़ा सा अपना अटेंशन देते हैं, तो हम कई जगह देख चुके, मतलब हमने कई जगह देखा है, सुना है कि कल को जब हम बूढ़े होंगे तो क्या हमारे बच्चे अगर हमारे साथ वैसा करे तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे, हम सहन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने कल को याद करके अगर हम वर्तमान में रह रहे हमारे माता पिता की तरफ हम ध्यान देंगे तो हम कहीं ना कहीं अपना कल सुधार रहे हैं। तो चलिए, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ज़रूर जो आपकी समस्या थी शांतनु जी, उससे आप बाहर आ पाएंगे, और इतनी हिम्मत रखी है, आगे भी आप बहुत हिम्मत से ही आगे बढ़ते चलेंगे। और इसी तरह दीदी, हमारे पास प्रश्न तो बहुत सारे हैं और मैं चाह रही थी समाधान निकले सबको जल्दी जल्दी, सबके मतलब अगर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए तो व्यक्ति एक नई शुरुआत करे, लेकिन चूंकि समय कम रहता है हमारे पास, फिर मुलाकात होगी। दीदी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।